हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इजी तरीके से धनिया को कैसे ग्रो करें, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हमारा कभी कभी क्या होता है, हम धनिया उगाना चाहते हैं बट हम जब सीड्स को अंकुरित करने चाहते हैं तो हमारे कभी कभी उसमें फफूंदियाँ लग जाती हैं। ये मैंने भी कभी एक बार ही ट्राई करा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फफूंदियाँ लग गई थी। तो मैंने एक ईजी तरीके से इसको उगाने का तरीका ढूँढा जो कि मेरी ईजिली आप देख सकते हो कितनी अच्छी धनिया गई है। तो वैसे ही मैं आपको ये टिप्स जो देने वाली हूँ तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें अगर आप धनिया को इजी तरीके से उगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको ये वाली सीड्स ले लेनी है। आपको ये वाली सीड्स किसी भी ग्रोसरी स्टोर से या फिर जो वेजिटेबल जो सीड्स जहाँ पे मिलते हैं आपको वहाँ पर इजीली आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रोसरी स्टोर से इजीली इसको बाय कर लिया है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इनको दो भागों में डिवाइड कर लेना है। अगर आप किसी और स्टोर से लाते हो तो कहीं कहीं पर इनको आपको दो टुकड़ों में ही पहले से टूटे हुए मिल सकते हैं। अगर आपके पास सीधे साबुत साबुत है तो आपको सबसे पहले इनको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप किसी और चीज़ की मदद से आपको इनको लेके दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने इन पूरे सीड्स को दो टुकड़ों में तोड़ लिया। आप देख सकते हो मेरे सारे सीड्स अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप इनको इस तरीके से नहीं करते हो तो हमारी जो धनिया वो इजी तरीके से नहीं होएगी। और फिर आपको तोड़ने के बाद इसको एक दो दिन तक धूप में सुखाना है, इसको धूप में रखना है, इसको धूप देनी है थोड़ी सी। फिर इसको धूप देने के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड टिप्स में जो हमारी जो मिट्टी होती है उसको मतलब अच्छे से खाद वाद बना के तैयार कर लेना। आपको जिसमें भी उगाना है आप इसमें ईजिली तरीके से उगा सकते हो, क्योंकि धनिया आप बड़े से बाउल में उगाओ या फिर छोटे से आप बहुत ही ईजिली उगा सकते हो। क्योंकि अगर धनिया सब्जी वगैरह में जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर ये हमारे गार्डन में ही रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप ईजिली गार्डन से तोड़ के ला के अपनी सब्जी वगैरह में डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो मिट्टी थी पहले से ही रेडी कर रखी थी और यहाँ पर अब मैं अपने जो धूप में सुखाए हुए जो बीज थे उनको मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से आपको भी डाल लेना है तो पूरे में हम फैला देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं किस तरीके से इसमें डाल रही हूँ। हमने इसको पहले अंकुरित नहीं करे, क्योंकि अगर हम अंकुरित करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फफूंदियाँ लग जाती हैं। मेरे जब भी मैंने इसको पहले अंकुरित करके बोने की कोशिश करी है तभी फफूंदियाँ लग जाती है, तो मैं इस तरीके से नहीं बो रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि बीज मैंने डाल दिया उसके बाद से मैं इसके ऊपर मेरी गोबर और मिट्टी को मिक्सचर था उसको ऊपर से डाला है। इसको हम पूरा कवर कर लेंगे मिट्टी से और गोबर से अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से कवर करने के बाद इसमें जस्ट हमें पानी की लेयरिंग डालनी है, जैसे कि हमें जो पूरा मिट्टी थी उसको अच्छे से भिगो लेना है ताकि ये अंकुरित होने में इसको हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी में अच्छी तरीके से भिगो लिया है। फिर यहाँ पे ये मेरे एक हफ़्ते बाद के हैं, ये मैंने पहले से ही उगा के रख रखे थे। ये मेरे एक हफ़्ते बाद आप देख सकते हो मेरे सारे बीज अंकुरित हो चुके, कितने अच्छे से ऊपर ये अंकुरित होकर छोटे छोटे पौधों में डेवलप हो चुके हैं। आप देख सकते हो गाइस बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरे हरे हरे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक हफ़्ते बाद या 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरे वो 2 हफ्ते के बाद के जो ये है, ये 2 हफ्ते पहले मैंने बोया था धनिया, तो ये उस टाइम के है। आप देख सकते हो 2 हफ्ते बाद ही मेरे धनिया कितने ईजिली डेवलप हो चुके हैं, कितने अच्छे पत्ते आ चुके हैं। मैंने कितनी बार इनमें से पत्ते तोड़ के अपनी जो भी सब्जी वगैरह बनाई उसमें डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इजी तरीके से इसको उगाया, आप भी उगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।